सो स्टूडेंट्स, हमने सेट का इंट्रोडक्शन देख लिया, एग्जाम्पल्स देख ली है, उसे किस तरह यूज किया जाता है वो देख लिया, फॉर्मेशन किसे सेट कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे वो भी देख लिया है। अब सेट लिखने के मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ राइटिंग सेट। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स टू टाइप्स के हैं, दो हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट। नंबर वन लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड का ही दूसरा नाम रोस्टर मेथड है। नंबर टू रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड का दूसरा नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी दो दो नेम्स हैं, तो हमें दोनों नेम्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि लिए कई बार क्वेश्चन में लिस्टिंग मेथड आता है और कई बार रोस्टर मेथड आता है, तो आप डरिएगा मत। दोनों नेम्स याद करेंगे तो आप सॉल्व करते हैं कर सकते हैं इजीली। अगर सिर्फ आपने एक नाम याद किया है तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो आप लोगों को नाम याद रखने हैं दोनों। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं लिस्टिंग मेथड यानी रोस्टर मेथड कैसे लिखना है। लिस्टिंग से तो आप समझ में ही आ रहा होगा, लिस्ट बनानी, किसी चीज की लिस्ट बनाना, लिस्टिंग से लिस्ट बनाना। लिस्टिंग मेथड लिखने के पांच पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको याद रखते हुए हम लिस्टिंग मेथड लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन कर्ली ब्रैकेट। लिस्टिंग मेथड जब हम सेट लिख रहे होते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट डालना मस्ट है। अगर हमने प्लेन या स्क्वायर ब्रैकेट डाले तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। पॉइंट नंबर टू नो रिपीटेशन। किस चीज का नो रिपीटेशन? एलिमेंट्स का नो रिपीटेशन, यानी अगर कोई एलिमेंट को एक बार लिख दिया गया है तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री सेपरेटेड बाय कॉमा। एलिमेंट्स को कॉमा के जरिए सेपरेट करना है। पॉइंट नंबर फोर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम जंबल करके भी लिख सकते हैं, अगर हम लाइन से लिखें तो हमारे लिए ही बेहतर होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आगे पीछे लिख दिया है तो भी कोई बात नहीं, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर फाइव ऑल एलिमेंट्स आर नेसेसरी, मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए आपके सेट में, नहीं तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, कट सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी ही टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है। सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। सेट बनाना है ऑड नंबर का, किसके बीच में? 1 और 10 के बीच में जो नंबर्स ऑड हैं उनका सेट बनाना है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सेट में बताया था कि नेमिंग ऑफ सेट कैपिटल अल्फाबेट से की जाती है, सो हमने इसको कैपिटल अल्फाबेट ए लिए हैं और फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने कर्ली ब्रैकेट ली है। नो रिपीटेशन, ऑड नंबर क्या होंगे 1 to 10 के बीच में? 3, 5, 7, 9, ये चार नंबर्स ऑड हैं तो हम इसे लिखेंगे। सेपरेटेड बाय कॉमा, हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया है। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा, तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। और ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको अगली एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ऑल एलिमेंट्स आर नेसेसरी, 1 to 10 के बीच में ये चार ही एलिमेंट्स ऑड है तो हमने सारे एलिमेंट्स लिए, अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने 1 को क्यों नहीं लिया, वो भी तो ऑड नंबर है। गौर से देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, क्योंकि लिए कई बार हमें आंसर सही आते हुए भी हम क्वेश्चन प्रॉपर ना पढ़ने की वजह से हम मिस्टेक कर जाते हैं और हम अपने मार्क्स गवा बैठते, फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होता। एग्जाम के टाइम पे नर्वसनेस में कई लोग क्वेश्चन गलत पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें अपना माइंड शांत रखते हुए प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है। बिटवीन 1 to 10 यानी 1 और 10 के बीच में, तो जब बिटवीन बोला है तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने इसी एग्जाम्पल को इस तरह भी लिखा है, 7, 5, 3, 9, यहाँ पर लाइन से लिखा था, यहाँ पर जंबल कर दिया है। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कहा ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैंने यहाँ पर यूज किया है ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम जंबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन से लिखेंगे तो वो आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा। तो मैं आप लोगों को इसी की दूसरी एग्जाम्पल बताती हूँ जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दी गई होगी। आप लोग ये देखे कंफ्यूज हो रहे होंगे, नंबर के बारे में तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, मैं आप लोगों को रिमेम्बर के बारे में बताती हूँ। आप लोगों की बुक में रिमेम्बर दिया हुआ है, हम इसे कैसे लिखेंगे?
बार लिखेंगे हम, और यहाँ पर कितनी बार है, दो बार है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। हम कैपिटल स्मॉल कैपिटल नहीं लिख सकते, स्मॉल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन हम इसे स्मॉल ही लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सेट के टाइम पे ही बताया हमारे एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए। ई देखेंगे कितनी बार दिया है, 3 times ई दिया हुआ है, तो कॉमा याद रखिएगा, कॉमा डालते हुए हम ई लिखेंगे। अब हम देखेंगे एम कितनी बार दिया हुआ है, तो एम 2 times दिया हुआ है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, कॉमा याद रहे। अगर आप कॉमा नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और ये आखिर में बचा बी, एक ही बार दिया है तो हम एक ही बार लिखेंगे। ये हमने सेट बना लिया रिमेम्बर का। कई लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बी सेट नेम देके बी एम ई आर जंबल करके भी आप लिख सकते हैं, आपको इस पे भी मार्क्स मिलेंगे, इस पे भी मार्क्स मिलेंगे। बस अल्फाबेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, आपके अंदर के एलिमेंट्स कैपिटल नहीं होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, कॉमा नेसेसरी और कर्ल ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अगर आपने एक ब्रैकेट चेंज की तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड जानेंगे, रूल मेथड यानी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखेंगे जैसे उसमें 5 points इम्पोर्टेंट थे, वैसे इसमें भी 3 points इम्पोर्टेंट है। 3 points क्या है, नंबर 1 वर्टिकल लाइन यूज करना है। अगर वर्टिकल लाइन नहीं यूज कर रहे तो हम कोलन भी यूज कर सकते हैं। कोलन की साइन ये है, दो डॉट वाली कोलन की साइन है, मोस्टली वर्टिकल लाइन ही यूज की जाती है। पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल, वेरिएबल में लिखना है, नंबर में नहीं लिखना है। हमारा जो एलिमेंट होगा वो वेरिएबल में होगा, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। जैसे कि ए यूज कर सकते हैं हम, स्मॉल ए, एक्स यूज कर सकते हैं, मोस्टली एक्स यूज किया जाता है, वाई यूज कर सकते हैं, तो हम वेरिएबल में यूज करेंगे, नंबर में यूज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या प्रॉपर्टी रखता है वो भी बताना जरूरी है, यानी उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे नंबर पूछा गया है तो हम उस नंबर के लिए यूज कर रहे हैं तो वो बताना जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक की एग्जांपल दी हुई है, ए, ये आप लोगों की एग्जांपल दी हुई है, कैपिटल ए सेट का नाम दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को बताया था सेट के नेमिंग कैपिटल अल्फाबेट से की जाती है, तो कैपिटल ए कर्ली ब्रैकेट, हमने वर्टिकल लाइन यूज की है, वेरिएबल दिया है और वेरिएबल की प्रॉपर्टी भी बताई हुई है, एक्स एप्सिलॉन एन। मैंने आप लोगों को पहले भी एप्सिलॉन का मतलब बताया है, एप्सिलॉन मतलब नियरली जीरो और रिलेटेड टू, यानी एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को नेचुरल नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम हो तो आप मेरे दूसरा वीडियो देख करके बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 is less than x is less than 10, ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है x, यानी ये बिटवीन होगा, यहाँ पे इक्वल की साइन कहीं नहीं है तो ये बिटवीन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 to 10। ये देखिए 1 से बड़ा यानी 2 से स्टार्ट होगा और 10 से छोटा यानी 9 पे एंड हो जाएगा, तो बिटवीन 1 to 10। सो मैंने मेथड्स आप लोगों को बताया है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। इसकी और भी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है। आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को सॉल्व करना है, उससे पहले इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को इजीली। मैंने आप लोगों को पहले उसके जैसे ही कुछ एग्जांपल्स बता चुकी हूँ। सो अब मैं वो आप लोगों को वो टेबल सॉल्व कराती हूँ, कई लोगों को वो टेबल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो देखिए आप लोगों का फर्स्ट एग्जांपल तो सॉल्व किया हुआ है, फिर भी इसको मैं समझा ही देती हूँ। ए जो सेट है उसके जो कंटेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। अब आप लोगों को ये देख के क्या समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ना कोई पॉइंट्स वाला है और ना कोई और नंबर है, ना नेगेटिव है, तो ये नेचुरल नंबर है। दूसरी बात ये समझ में आती है,
ये सारे टू के टेबल में आने वाले नंबर्स है, सो इसे इवन कहेंगे। इवन टू के टेबल में आने वाले सारे नंबर इवन नंबर है। तीसरी बात ये है कि 14 के आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, यानी डॉट डॉट भी नहीं दिया हुआ है, मतलब उसकी लिमिट दी हुई है, यानी 14 तक दिया हुआ है, तो उसकी लिमिटेशन 50 के अंडर है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/x, x इज एलिमेंट है, जो x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, जैसे कि मैंने आप लोगों को तीन पॉइंट्स बताए, एक तो वो नेचुरल नंबर नजर आ रहा है, दूसरा वो इवन नंबर नजर आ रहा है, और तीसरा उसकी लिमिटेशन 15 तक दी हुई है, यानी वो 15 से छोटे नंबर्स है, तो हमने इसे लेस देन 15 लिखा हुआ है। हमने बिटवीन 1 to 15 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिए ये नेचुरल नंबर सीधा सीधा बताया हुआ है, और नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो इसलिए हमने बिटवीन नहीं लिखा है। अगर बिटवीन लिखेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें रूल मेथड दिया हुआ है लेकिन हमें लिस्टिंग मेथड में करना है उसे कन्वर्ट, तो मैंने आप लोगों को उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो आप लोगों को उसे इजी होगा सॉल्व करने में। सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा। बी जो सेट का नेम क्या हुआ है, बी सेट है, सेट की जो वैल्यू है, सेट की जो प्रॉपर्टी है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20 दिया हुआ है। 1 to 20 के बीच में, 1 और 20 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होते, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहा जाता है, अब आप लोग 9th में चले गए हैं, आप लोगों को पहले ही स्क्वायर पढ़ा दिया गया हो, अगर ना पढ़ाया गया हो तो आप लोग पढ़ ले स्क्वायर किसे कहा जाता है। एटलीस्ट आपको 1 to 10 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों का लेवल बढ़ गया है, आप लोग सोचते नहीं बैठ सकते, आप लोगों को फौरन दिमाग में आना चाहिए। सो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर। अब 1 देखेंगे तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। 2 देखेंगे, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, हो सकता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसके जो स्क्वायर रूट होगा वो डेसिमल में होगा, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का। अगर आपको 1 से लेके 2 तक और 10 तक के सारे स्क्वायर्स आते हैं तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम इसे 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बिटवीन 1 to 20 बोला गया है, तो 1 को कंसीडर ना करते हुए हम 2 का स्क्वायर देखेंगे, तो 2 का 2 2 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो हम इसको बी नेम ही करेंगे, कोई और नेम नहीं करेंगे। ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट याद रखिएगा, 4 हमारा एलिमेंट है, 4 और कॉमा। अब हम देखेंगे 3 का स्क्वायर, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, अब 3 का देखेंगे। 3 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, तो हम 9 लिख देंगे, कॉमा भूले बिल्कुल ना। 4 का, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम 16 लिखेंगे, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, कॉमा भूलिएगा नहीं। 4 का देख लिया, 5 का देखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो हम 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बिटवीन 1 to 20 बोला गया, 20 के बाद आता है, तो हम इस ब्रैकेट को यही क्लोज कर देंगे। हमारा ये आंसर आ गया, बहुत इजी है, आप लोग करेंगे तो आप लोग को आते जाएगा। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या आपके एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, आपको ये पढ़कर क्या समझ में आ रहा है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं जो अल्फाबेट है उसमें 2 टाइप के होते हैं, वोवल्स एंड कंसोनेंट्स, तो ये वोवल्स नजर आ रहे हैं, कितने हैं, 5 वोवल्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे, हम नेम चेंज नहीं करेंगे, सी ही देंगे, कर्ल ब्रैकेट x/, ना भूलें वर्टिकल लाइन है ये, x इज अ वोवल अल्फाबेट
ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा ये आंसर सिंपली आ गया, एक्स की जो जो एक्स जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी वोवेल अल्फाबेट है। अब हम फोर्थ देखेंगे, हमें रूल मेथड से लिस्टिंग मेथड में करना है। लिस्टिंग मेथड तो मैंने आप लोगों को बताया, लिस्टिंग से समझिए लिस्ट बनानी कोई चीज की। तो आप लोगों को सेंटेंस में कोई चीज दी हुई है तो आप लोगों को उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसका नेम दिया हुआ डी वाई स्लैश वाई, वाई इज सच अ वेरिएबल, वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलर इन रेनबो। रेनबो के कलर्स कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा, आप में से कई लोगों को रेनबो बहुत, कई क्या बहुत से लोगों को रेनबो बहुत पसंद होगा। तो हम उसको सिंपली याद करने के लिए हम उसे ऐसे याद कर सकते हैं, विबग्योर, ये सात कलर्स हैं, हम विबग्योर याद रखेंगे ना तो हमें बहुत इजीली याद होगा। तो हम उसका पूरा नाम ना लिखते हुए खाली उसके फर्स्ट अल्फाबेट्स लिखेंगे। अगर हम वॉयलेट इंडिगो ये सारे लिखते गए तो हमें स्पेस भी कम पड़ सकती है और हम शॉर्टली अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा एलिमेंट्स स्मॉल अल्फाबेट्स में होने चाहिए। तो जो इसका नेमिंग किया हुआ है डी, तो हम इसे भी नेम करेंगे डी। कर्ल ब्रैकेट बिल्कुल ना भूलिए, विबग्योर का पहला वी स्मॉल वी कॉमा वी आई इंडिगो, इंडिगो का आई विब वी आई बी बी ब्लू बी से ब्लू विब जी ग्योर ग्योर का जी ग्रीन ग्रीन के बाद वाई वाई से येलो ओ से ऑरेंज एंड लास्ट आर रेड ब्रैकेट क्लोज विब ग्योर। आपके देख लीजिए सारे कलर्स आ गए हैं, विब ग्योर हो गए हैं। याद रखिएगा आपके एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स स्मॉल होने चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ फॉर्मेशन ऑफ सेट में, और जो बाहर का है वो कैपिटल में है। अब हम फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे, फिफ्थ में भी रूल से लिस्टिंग में करना है। तो एक्स एक्स स्लैश एक्स इज अ इंटीजर एंड माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, यानी जो इसकी वैल्यू होगी एक्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो इंटीजर होगी। इंटीजर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इंटीजर होगी और माइनस थ्री और थ्री के बीच में होगी। तो हम माइनस थ्री से छोटा क्या आएगा, पहले तो हम इसको पी दे देते हैं नेम, क्योंकि हम उसका नेमिंग चेंज नहीं करेंगे, हमने इसे पी दे दिया है, इंटीजर है तो हम जानते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स आते हैं। तो माइनस थ्री से बाद में माइनस टू आता है, माइनस टू के बाद माइनस वन आता है, माइनस वन के बाद जीरो आता है और जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। ओ ओ थ्री नहीं देना है क्योंकि हमें ये याद रखना है माइनस थ्री और थ्री के बीच में आना चाहिए, बिटवीन दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो हम थ्री नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए फिर आंसर की। अब सिक्स एग्जाम्पल देखते हैं, सिक्स एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 1, 8, 27, 64, 125। ये देखिए आप लोगों को क्या लगता है ये कौन सा नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें से काफी नंबर्स मिसिंग है। नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर वो भी नहीं है क्योंकि इसमें एक दो इवन नंबर्स भी है, और इवन नंबर्स भी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ऑड नंबर्स भी है। यहाँ पर स्क्वायर्स थे, ये स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि एट किसी का स्क्वायर नहीं है, वन तो वन का स्क्वायर है, हो सकता है ये क्यूब हो। जिस तरह आप लोगों को स्क्वायर वन टू टेन आने चाहिए वैसे ही क्यूब भी आप लोगों को वन टू टेन पता होना चाहिए। स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, टू इंटू टू ये हमारा स्क्वायर होता है, टू रेस टू टू यानी स्क्वायर, 2 × 2 = 4 होता है तो वो हमारा स्क्वायर होता है। अगर क्यूब निकालना है तो 2 raised to 3 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूब आएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हमारा 2 का क्यूब है। चलिए हमको ये पता चल गया 1 भी 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 3 का देखते हैं 3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 4 का क्यूब 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 5
5 का क्यूब होगा 5 5 25 25 5 125 और so on। डॉट डॉट दिया है मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब हम इसे रोकेंगे नहीं। यहाँ पे जैसे बिटवीन दिया हुआ था, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम इसे सिंपल ले लिखेंगे, इट इज परफेक्ट क्यूब। हम नेमिंग इसकी एम ही करेंगे, नेम चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्लैश एक्स इज एक्स जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी है परफेक्ट क्यूब है। एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, दैट्स इट। हमारा आंसर यही होगा, ये परफेक्ट क्यूब है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हमने इसे लिमिट नहीं दी है। सो हम इसे लिखेंगे x इज अ परफेक्ट क्यूब, x जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी क्यूब है। होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।